नमस्कार दोस्तों, रिटायरमेंट की प्लानिंग या रिटायरमेंट के समय पर मिलने वाले किसी भी अमाउंट में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट किसी एम्प्लॉय के लिए लीव एनकैशमेंट के रूप में भी होता है। इस लीव एनकैशमेंट पर दोस्तों एक लंबी बहस चली आ रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का लीव एनकैशमेंट तो पूरी तरह से एग्जम था, लेकिन अदर सेक्टर के जिसमें पीएसयू सेक्टर के एम्प्लॉयज भी आते हैं उनके लिए लीव एंकेशमेंट की मैक्सिमम क्वांटिफिकेशन 3 लाख रुपए या एक कंप्यूटेशन का क्राइटेरिया मैक्सिमम लिमिट 3 लाख थी। और बहुत डिस्प्यूट था कि बैंकों के एम्प्लॉई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉई या कंपनीज के एम्प्लॉई जब रिटायर हो रहे थे तो उनको मात्र 3 लाख रुपए तक के लेवल पर ही लीव एंकेशमेंट की एग्जम्पशन मिल रही। तो इस संदर्भ में वित्त मंत्री महोदया ने बजट 2023 में एक सिग्निफिकेंट घोषणा करी कि यह लिमिट अब बढ़ा करके 25 लाख की जा रही। तो मैं आपके सामने इसी संदर्भ में एक छोटा सा डिस्कशन लेकर के आया हूं कि ये 25 लाख की लिमिट किस प्रकार होगी, कैसे होगी। तो आइए इससे आपको और क्लैरिटी लेने में सहायता मिलेगी। दोस्तों सरल रूप में कहूं तो ये जो एग्जम्पशन है लीव एंकेशमेंट की वो मिलती है किसी भी एम्प्लॉय को अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या लिखा है उस सेक्शन में? सेक्शन 10 है इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। सेक्शन 10 की पहली दो लाइन, इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर ऑफ एनी पर्सन एनी इनकम फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड। इसमें आया दोस्तों क्लॉज 10AA जिसमें यह कहा गया एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एज कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ अर्न लीव एट द क्रेडिट ऑफ एट हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपर एनुएशन और अदरवाइज। तो ये बात बड़ी पक्की थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इनको जो भी लीव एनकैशमेंट पैसा मिलेगा वो अब तक भी पूरी तरह से एग्जम था। यहां दिक्कत थी इस क्लॉज 2 में, एनी पेमेंट ऑफ द नेचर रेफर टू इन सब क्लॉज 1 रिसीव बाय एन एम्प्लॉई अदर देन एन एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो बाकी सारे एम्प्लॉई, पीएसयू के एम्प्लॉई, बैंकों के एम्प्लॉई, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई सब इस कैटेगरी में थे। इन रिस्पेक्ट ऑफ सो मच ऑफ द पीरियड ऑफ अर्न लीव एट इज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपर इनोवेशन और अदरवाइज एज डज नॉट एक्सीड 10 मंथ्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ड्रॉन बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग हिज रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपर इनोवेशन और अदरवाइज सब्जेक्ट टू लिमिट। ये लिमिट इंपॉर्टेंट थी, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। तो लास्ट जो ऑफिशियल गजट था सर वो 3 लाख रुपए का था, इस वजह से बहुत से एम्प्लॉयज 3 लाख से ज्यादा की एग्जम्पशन क्लेम ही नहीं कर पा रहे थे। अब दोस्तों ये 3 लाख और 25 लाख की जो लिमिट का पॉइंट है इसको और क्लैरिटी से आपके सामने रखता हूं कि जो प्रेजेंट लिमिट थी वो लास्ट सेट हुई थी नोटिफिकेशन नंबर 123/2002 डेटेड 31 मई 2002 से, जब ये लिमिट विद इफेक्ट फ्रॉम 2/4/98 3 लाख की गई। ठीक है, तो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्ड बाय क्लॉज 2 ऑफ 10AA ऑफ सेक्शन 10 द सेंट्रल गवर्नमेंट में, इस नोटिफिकेशन से ही आपको एक्सट्रैक्ट लेकर के दे रहा हूं। नोटिफिकेशन से जो वहां पर बात की गई वो क्या थी, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्ड बाय सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 10AA ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू मैक्सिमम अमाउंट रिसीवेबल बाय इट्स एम्प्लॉई एज कैश इक्विवेलेंट of leave salary in respect of period of earned leave at their credit at the time of their retirement whether superannuation otherwise hereby specifies the amount of rupees 3 lakh as the limit in relation to employee mentioned in that sub clause who retire whether on superannuation or otherwise on or after that is not on or after this is after first day of April 1988 yani 2 April 1998 se is notification ko effect diya gaya। ये नोटिफिकेशन कब आया दोस्तों, 31 मई 2002 से लागू हुआ, लेकिन उसको इफेक्ट कहां दिया, रेट्रोस्पेक्टिविटी से दिया। अब जो प्रपोज लिमिट सरकार 25 लाख कर रही है जिसकी बजट में घोषणा की गई दोस्तों, उसको अनाउंस किया है बजट 2023 में, लेकिन अभी वो कब से लागू होगी ये डेट भारत सरकार ने नहीं दी, बोला है कि इस संदर्भ में एक नोटिफिकेशन लेकर के आएंगे। तो क्वेश्चन आया दोस्तों कि व्हेन प्रपोज लिमिट विल बी इफेक्टिव, कि ये प्रपोज लिमिट इफेक्टिव कब होगी। कुछ लोगों ने अपनी ओपिनियन देनी शुरू कर दी कि भाटिया जी तो 1 अप्रैल 2023 से होगी। अब मान लीजिए बजट घोषणा दोस्तों आज की डेट में आती है 1 फरवरी 2023 को, और कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है 31 मार्च 2023 तक, तो उसको तो फिर 25 लाख की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, उनको तो फिर 3 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है
कि भारत सरकार नोटिफिकेशन जब भी लेकर के आती है उस नोटिफिकेशन में डेट क्या तय करती है, उससे तय होगा कि वास्तव में कौन सी इफेक्टिव डेट से ये नोटिफिकेशन का प्रभाव मिलेगा। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब मैंने आपको बोला पिछला नोटिफिकेशन 2002 में आया और वो 1998 से प्रभावी हुआ, ठीक है, यानी लगभग 3 साल के गैप पर भी उसको इफेक्ट दे दिया गया, तो क्यों ना ऐसा ही कुछ बेनिफिट सरकार पीछे भी दे दे। हालांकि ये बात पक्की नहीं है और मेरे इस वर्जन को आप फाइनल नहीं मानिएगा, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन की डेट आएगी दोस्तों, उसी दिन मैटर क्लियर होगा कि भारत सरकार किस दिन से लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर रही है। लेकिन बहुत बेताबी है कर्मचारी वर्ग को यह जानने में कि अनुप जी इस नोटिफिकेशन की डेट हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण होगा। अंत में दोस्तों मैं एम्प्लॉयज को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि फाइनली 3 लाख की लिमिट 25 लाख करने की बात हो रही है उन एम्प्लॉयज के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। और ये जो 3 से 25 लाख की लिमिट होगी, यहाँ क्वेश्चन केवल यही है कि इसके नोटिफिकेशन की डेट देखनी बाकी है। जैसे ये नोटिफिकेशन की डेट आएगी, दूध का दूध पानी का पानी, यानी और क्लैरिटी हम सबके लिए उपलब्ध होगी। तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।